अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? और ईद की छुट्टियां कैसी गुजरी? इस मीठी ईद यानी हमने बकरा ईद पे बहुत सारा मीट बनाया, खाया, तो अब मैं सोच रही थी कि कुछ वेजिटेबल पे हम आएँ क्योंकि बहुत गर्मी है और वेजिटेबल में सबसे फेवरेट मेरे घर में है भिंडी, लेडी फिंगर। तो भिंडी प्याज, भिंडी गोश, सब चीज़ें तो हम बनाते रहते हैं, क्यों ना आज भिंडी के साथ ट्विस्ट किया जाए और कुछ चेंज तरीके से भिंडी को बनाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना अचारी भिंडी ट्राई करूं। और अचारी भिंडी बहुत आसान रेसिपी के साथ झटपट तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी। आए और इसे हम बनाते हैं मिलके अचारी भिंडी। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल ले रहे हैं। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने लिया है राई, ज़ीरा। इसका हम पहले इसको हम फ्राई करेंगे, इसका काइंड ऑफ तड़का लगाएंगे। तो थोड़ी सी राई, ज़ीरा, राई और ज़ीरा का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत सी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी। थोड़ा सा फ्राई हो जाए आपका राई और ज़ीरा, उसके बाद मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं ताकि भिंडी में प्याज का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। तो जितनी ज़्यादा प्याज होगी उतना ही अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए 4 प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। राई और ज़ीरा भी इसके साथ फ्राई हो रहा है। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर होगा, तो हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। प्याज फ्राई हो गए हैं, अब सेकेंड इंग्रेडिएंट्स यानी हम आते हैं लहसुन अदरक की तरफ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे अनियन के साथ, प्याज के साथ, लहसुन अदरक का कलर चेंज हो जाए। लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने इसमें बड़ा टमाटर यानी एक बिग टमाटो लिया है, बारीक कटा हुआ, ठीक है, बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। और टमाटर को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि वो भिंडी के साथ जब बनेगा तो ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। आप देख रहे हो प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक, इन सबको हम फ्राई कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। जब हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हम उसे ज़्यादा कुक नहीं करते, मतलब ओवर कुक नहीं करते, क्योंकि सब्ज़ी अपनी गज़ाइत जो है वो ख़त्म कर देता है। तो हम उसे बहुत झटपट तरीके से बनाते हैं। हमने इसमें प्याज टमाटर डाल दिए हैं, आप देख रहे हैं टमाटर भी अपना रस छोड़ रहे हैं। इसी टाइम पे हम डालेंगे अब भिंडी। देखिए मैंने भिंडी को बारीक बारीक काट के रखा हुआ है, मैं इसमें भिंडी ऐड कर रही हूँ। भिंडी को भी फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे भिंडी को, क्योंकि भिंडी का अपना कलर भी रहे और फ्रेश रहे एकदम, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। अचारी भिंडी आप देख सकते हैं अभी इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त आई है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ अपने मसालों की तरफ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, हसबे ज़ायका, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है मेरा अपना होममेड अचारी मसाला। इस अचारी मसाला की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मेंशन करूंगी और इसको कैसे बनाना है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, आप सब इजीली अपने घर पे ये अचारी मसाला बना के रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें जो जो चीज़ें ऐड करी हैं वो सब मैं आपको बताऊँगी। मैं इसमें अचारी मसाला डाल रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून। बस जी, झटपट सी आपकी अचारी भिंडी रेडी होने वाली है, हम उसे फ्राई करेंगे और दम पे रखेंगे और ज़रा इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल के साथ भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है, वरना सब्जियों इतनी सादे तरीके से जब हम बनाते हैं ना तो हस्बैंड्स या घर में बच्चे वो चीज़ नहीं पसंद करते। कुछ ना कुछ आप एक्सपेरिमेंट करें, उसे स्पाइसी बनाएं, अचारी बनाएं और तंदूरी तरीके से बनाएं, तो सब्ज़ियों में भी वो मज़ा आएगा जो चिकन और तंदूर में आता है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और दम पे रखने के बाद हम इसको गार्निश करेंगे और डिश आउट करेंगे। अच्छे से फ्राई हो गया है, सब कुछ रेडी है, अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रख रही हूँ ताकि जो भी अरोमा, जो भी सारे स्पाइसेस हैं सब एक दूसरे में अच्छी तरह से रच जाएँ, ठीक है। 5 मिनट इसको दम देते हैं और उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सी अचारी भिंडी रेडी है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। वाओ,
क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। खा के तो मेरी फैमिली मेम्बर्स बताएंगे तो कैसी बनी, इसका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। आए इसे डिश आउट करते हैं। वेजिटेबल की भी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि खाने वाले को बहुत मज़ा आ जाए। इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें अच्छे से गार्निश करें, गरम गरम तंदूरी रोटी, और आप इसको रायते के साथ खाएं, इंजॉय करें। आज की रेसिपी कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी और आप क्या क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।